दो नौजवान हैं, इन्होंने मिलकर एक अनोखा काम किया है। लोग पानी की सबील लगाते हैं, दाल चावल बांटते हैं, फल बांटते हैं, लेकिन आज यहाँ पे ये पेट्रोल बांट रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल बांट रहे हैं आप, ये आपके जहन में आइडिया है कैसे? खुशी बांटने के लिए इंसान के साथ उसकी हेल्प करनी चाहिए। जरा मियाँ बीवी रात को जाते हैं सैर करने, उन्होंने पेट्रोल लिया। मैं वो कपल नु कहना वा कि टाटा पड़ा अजान बट मस्जिद को हाजिर है, अगर पेट्रोल की वजह तो घूमन फिर नहीं जा रहा, आइसक्रीम खान नहीं जा रहा, जो रात को आकर डेढ़ लीटर की बोतल मेरे को लवे तो पूरा लोड घूमे। हुक्मरानों से तो ये अच्छे हैं कि जो पेट्रोल तो दे रहे हैं, हुक्मरान हार से खींची जा रहे हैं और बुरे हाल करते जा रहे हैं। अकेले हैं चले आओ कहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको ये महंगाई कालम और इस पर पेट्रोल का बम, ये बिजली के जो बिल हैं हमारे हिल गए दिल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूं लाहौर अंदरून शहर के जो इलाका दिल्ली गेट में, यहां पे दो नौजवान हैं अजान भट्ट साहब और हसन टाइगर इनके दोस्त, इन्होंने मिलकर एक अनोखा काम किया है। लोग पानी की सबील लगाते हैं, दाल चावल बांटते हैं, फल बांटते हैं, लेकिन आज यहां पे ये पेट्रोल बांट रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा वाकया मेरे सामने आया तो मैंने सोचा इनसे कवर करूँ स्टोरी जाके, और इन्होंने बकायदा एक चार्ट लिखा हुआ है, उस पर लिखा है फ्री पेट्रोल फ्री पेट्रोल, एक शेर भी है, क्या बात है। जालम हुक्मराना ने आज गरीब अवाम नुए ढोलता, जालम हुक्मराना ने आज गरीब अवाम नुए ढोलता, करो मौजा ते मनाओ खुशियां, ए तोहफा है पेट्रोल दा, वाह वाह वाह। जी ये वो भट्ट साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि ये आइडिया इनके जहन में आया कैसे है और ये पेट्रोल जो है क्यों बांट रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम इर्तज़ा भट्ट साहब। अजान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं भाई। आप मीडिया की नज़र में रहते हैं, कभी आप दाल चावल बांटते हैं, कभी आप डेविड विजय को जायदाद दे देते हैं, और आज भी आपने अनोखा ही काम किया है, यहाँ पे पेट्रोल बांट रहे हैं आप, ये आपके जहन में आइडिया आया कैसे है? देखिए मेरी बात सुने, खुशियाँ बांटने के लिए कोई मौका नहीं ढूंढना पड़ता, खुशी बांटने के लिए इंसान के साथ उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं अब तक जो भी किया है, अगर मैंने मसल चावल बांटे हैं तो किसी के पेट में गए हैं, ठीक है। डेविड विजय को अगर जदान नाम की तो वो भी एक पब्लिक ने मुझे लाइक किया कि यार एक बंदा आउट ऑफ कंट्री के बंदे को इनाम दे रहा है कि इतना खुश होकर, क्योंकि असी लोहड़िए दिल फेंक पंजाबी दसांगे, असी लोहड़िए दिल फेंक लोहड़िए हाँ, असी खुशियां वंडन आए हैं, जो तक साडे साज सा है असी हमेशा खुशियां वंडते रहेंगे। बट साहब लेकिन आपके जहन में ये पेट्रोल का आइडिया क्यों आया, क्यों कर आया? सर जी पेट्रोल का आइडिया इस गलो मेरे जहन च आया वे कि मैं एक दो दिन पहले ना मैं पेट्रोल पंप से गया वहाँ, और जो तो मैं उधर जाके देखा कि इन्नी लैन कतार लगी है, तो दो बंदे ऐसे बेचारे जो कपल से जिन्हों को पेट्रोल दे सिर्फ एक 50 रुपया से तो 170 रुपये से, तो वो शर्म के मारे पेट्रोल नहीं पवा रहे सैड तो खलोते से। मैं क्या अल्लाह ना करे, मैं क्या की मसला, मैं जाके पूछा मैं क्या की मसला है, वह कह वो बाजी वो भैन वो भाई कहता है कि मेरे को यार मेरे को 50 रुपये ने, मैं पेट्रोल नहीं पवा सकता, मैं 50 रुपये किस मूड जाके पेट्रोल पवान कि मैंने कोई चार ना पा दे। मेरे दिन चाहे मैं कहा अल्लाह पाक अगर मेरे को इन्ने पैसे हैं, अगर मेरे से इन्नी इस्तका दे तो क्यों ना यार अज मैं पेट्रोल वंडा, जरा कोई गरीब है जरा कोई मुंह से के जरा अपनी मोटरसाइकिल पेट्रोल नहीं पवा सकता, मैं चाहना वा कि मैं अच्छे जरा पेट्रोल लेके आया वो अपनी बाइक पावे और अपनी खुशियां मनावे। अगर अद्धी रात नूं एक मिसाल दसना पे पेट्रोल ना तो बड़ी खुशियां भी ले सकते हो, किस तरह? भट्ट साहब बिल्कुल जी हम देख रहे हैं, वही मैं देख रहा हूँ कि आपने ये मेरे हिसाब से हाफ हाफ लीटर की बोतल है, इसमें से कम आपने पेट्रोल डाला हुआ है, तो ये क्या मकसद है? सर जी मेरी गल सुनो, इस पेट्रोल का मकसद है कतरे कतरे ना दरिया बंद है। देखो मेरी जिनी इस्तका है, मेरी जिनी औकात है, मैं उस हिसाब के काम करना वा। अज यह छोटा जहा पेट्रोल पवा कोई एक मुड़िया पुल चला जाता है, कोई वसन बोड़े चला जाता है, कोई शाद बाग चला जाता है, या स्टेशन तक चला जाता है, क्या मेरी नेकी काउंट नहीं होगी इस पेट्रोल के नाल? तो कतरे कतरे ना दरिया बंद पाता है। मैं उस लोगों को मैसेज देना चाहना वा अपने जिन्हें भी मेरे भाई ने जो मैं देखते पेने जो मैं सुनते पेने, यार कतरे कतरे के नाल दो लोगों की मदद करो, ताे कतरे कतरे नाल लोगों का दरिया भर जाएगा। अज तैया कर लवो, अज यह तैया कर लवो कि कतरे कतरे का दरिया बंद है। अज अगर मैं वंडना मैं कल हो सकता है ऐसा डबल मैं पेट्रोल वंडा, ऐसा डबल भी मैं वंड सकना वा। आप अजान भाई आप बाकी लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं, महंगाई तो चलो हुक्मरानों ने की है, हम लोग जिनको साहब उस्ताद वो अपनी अपनी उस्ताद के मुताबिक गरीबों की मदद करें, ऐसे ही है। मैं यही गल कहना चाहना वा कि जिनी जिनी पसली है वो नहीं मदद करे, मैं कहना अगर मैं अज काम शुरू की है अल्लाह पाक मैंने होर पैसे देगा, कल मैं कहना कैन वंडांगा पेट्रोल, जरा गरीब जरा मुस्तिक जरा मियाँ बीवी मोटरसाइकिल, देखो मेरी गल सुनो गरीब आदमी को मोटरसाइकिल ही है, रात को जाते हैं सैर करने, उन्होंने पेट्रोल लिया, मैं वो कपल नु कहना वा
कि टाटा पड़ा अजान बट मसीब दीरां दे कोल हाजर है, अगर पेट्रोल की वजह तो घूमन फिरन नहीं जा रहा, आइसक्रीम खान नहीं जा रहा, तो रात को आकर 1.5 लीटर की बोतल मेरे को लवे तो पूरा लाहौर घूमे। जी हसन भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप अजान बट के साथ हर खुशी में शामिल होते हैं, आप वाकई जो हैं अच्छे और सच्चे मुखलिस दोस्त हैं। आप बताएं, आपके जहन में भी आइडिया आया था, बट साहब ने आपसे राजमा शेयर की होगी, तो फिर क्या कहा आपने? जी अस्सलाम वालेकुम, पहले के तमाम पाकिस्तान के अवाम को जो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं कि ये उन लोगों के लिए है, उन गरीब आवाम के लिए है कि जो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं या जो नहीं भी करते, हमें दिल पर फरोहत कीमत क्या है, एक मुस्कुराहट। ये पाकिस्तान में इस वक्त ना हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, जितनी महंगाई आ चुकी है हर बंदा परेशान है, हालात ख़राब है, सितारे गर्दश में है, मंडी बैग है, लॉकडाउन भी था, फरने से बंद है, तो अभी पाकिस्तान लॉकडाउन भी मतलब नहीं है, तो अब जो महंगाई का तूफान आ चुका है, मतलब तूफान इतना है कि हर बंदा कंट्रोल में नहीं है, कोई कुंडियाँ लगा रहा है, कोई दरवाजे बंद कर रहा है, किसी के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा ना डिसहार्ड हो चुकी है। तो एक दिन मेरी वाइफ भी मुझसे नाराज़ हो गई है, मुझे कहती है मैंने शवारमा खाना है, तो मैं नीचे गया हूँ, बाइक की मतलब किक मारी है, पेट्रोल नहीं था, तो बेगम कहती है क्या आ गया आप ऊपर आ गए, मैंने कहा बाइक में पेट्रोल ही नहीं है, तो कहती शवारमा, मैंने कहा अब 210 रुपये पेट्रोल है कहाँ से डलवाऊँ, तो अब तो हाँ जी, तो ये पेट्रोल 210 था तब की बात है, अब 234 रुपये पेट्रोल हो गया है, तो अब मैं बताऊँ कि पाकिस्तान की आवाम के लिए मैंने सोचा कि यार चलो चलो मैं तो नहीं जा सका, और मैंने और जान बाद ने सोचा कि हम पाकिस्तान की आवाम के लिए जो जो जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो जिनसे प्यार करते हैं, जो जिनसे मिलना चाहते हैं, जो अपने बहन भाइयों से लड़े हुए हैं, जो उनके पास जाने के लिए उनके पास किराया नहीं है, तो उनके लिए ये पेट्रोल है कि वो जहाँ भी जाना चाहे सफर करना चाहें, वो जहाँ भी सफर करना चाहते हैं, ये हमारी दुआएं हैं। भाई साहब, आपको ये नहीं लगता कि आप ये थोड़ा थोड़ा पेट्रोल लोगों को बांट रहे हैं, इससे अच्छा किसी एक गरीब बंदे की टैंकी फुल करवा देते? भाई साहब ऐप टन पेट्रोल थोड़ा लगता है, लेकिन ऐप पेट्रोल की खासियत है वे कि जो ऐप पेट्रोल मोटरसाइकिल की टैंकी पाएंगे अल्लाह तरफों अल्लाह की तरफों उन मदद होएगी, और मुश्किल है वक्त जितने उन्होंने जाना है उड़ी मोटरसाइकिल अपने आप चल दी जाएगी, क्योंकि क्योंकि असी नेकी की थी, साड़ी नेकी इन शाला अल्लाह पाक जरूर असर बरकत पाएगा, और इतों लैके गुजरने भी जा सकता है। दिल को दिल की राह होती है, दिल को दिल की राह होती है, ये देखे ये बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, दिल को दिल की राह होती है, जिसकी इच्छा होती है ना उसकी परवाह होती है, और हमें पाकिस्तान की आवाम की परवाह है, बस ये हमें पाकिस्तान की आवाम की परवाह है, दिल को दिल की राह, जिसकी इच्छा उसकी परवाह। और जी मेरे मोहसिन, आप बिस्मिल्लाह करेंगे तो दे तोहफा दे, पहले जरा देखें, वाह वाह जी वाह, फ्री पेट्रोल है, फ्री पेट्रोल, असली बड़ी इमाम टिकट गए हैं 1 लीटर पा के, बड़ी इमाम वाह वाह, अपनी मोटरसाइकिल से पवाना नहीं है तो सीधा सीधा मामड़ी जाना। आप अजान बट साहब जो हैं जिन्होंने नेकी का काम किया, आप इनको क्या या सलामो या मालको, मैं सलाम देना अल्लाह का ते नबी दा, सलामती देना अल्लाह रहमता करे, अल्लाह इन्हों ताकत देवे, इन्हों बच्चों कोई चीज़ की कमी ना रवे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नासिन ये देख ले कि ये 50-60 रुपये का पेट्रोल है, लेकिन उस बंदे की मेहनत देखे कि बंदा उसको दिल से दुआएं दे रहा है। मेरी सबसे गुजारिश है जो साहब उस्ताद है अल्लाह के नाम पर बांटे, वो पेट्रोल हो या एक फल का दाना भी क्यों ना हो। जी बरसात जनाब हसन भाई, हम देखते हैं कि आप हर मौके पे माशाल्लाह अपनी शेर व शायरी करते हैं, गुनगुनाते हैं, और अवाम आपकी आवाज़ की दीवानी है। आज पेट्रोल बांटने से पहले कोई जरा अपना कोई कुछ सुनाए, कोई आपने कुछ लिखा है इस मौजूद पे? जी मैं रात को माशाल्लाह 2 दिन से पाकिस्तान में बारिशें माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारा मौसम हो चुका है, तो ये प्यार करने वाला मौसम है। मैं छत पर लेटा हुआ था, मेरे अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया, तो हल्का सा मैंने सॉन्ग बनाया पेट्रोल के बारे में, महंगाई के खिलाफ। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, ये महंगाई कालम और इस पर पेट्रोल का बम, ये महंगाई कालम और इस पर पेट्रोल का बम, न चलते हैं न पीते हैं क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ कहाँ हो, कहाँ आवाज़ दें तुमको कहाँ हो, अकेले हैं ये बिजली के जो बिल हैं हमारे हिल के दिल हैं, ये बिजली के जो बिल हैं हिल गए हमारे दिल हैं,
ना तरते गे न मरते बताओ क्या करे गम मिलके अकेले हैं चले आओ जाओ आवाज दे तुमको जाओ। मेरे अंदर भी सिंगर जाग पे थोड़ा जा, लेकिन मैं सिंगर नहीं यार। कुछ आप जी बिल्कुल जी भट्ट साहब अपने दस्ते मुबारक से आप ना पेट्रोल बांटे लोगों को तो लो। मैं चाहूंगा कि ए, मेरा पेट्रोल मैं किसी हाथ नहीं देना चाहता, कोई मोटरसाइकिल ढोके उन मैं और आप उन्हें और टैंकी च पावा ते लवा सुकून दिया सावा जी। ए भाई नु पेट्रोल दी जरूरत है, सच्चे टन पेट्रोल दी जरूरत है। हेलो जी बिस्मिल्लाह करके आपने पेट्रोल डाला इनकी टैंकी में, क्या महसूस हो रहा आपको? मैं कसम खा कहता हूँ मैंने इनकी मोटर में पेट्रोल डाला है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई नेकी का काम कर दिया है। अब ये इनसे पूछे कि इनको पेट्रोल गया चाहे ये 50 का है चाहे 60 का है, लेकिन मैंने दिल और चाह से इनको ये पेट्रोल डाला है। सर आप बताएं जनाब के देखें तोहफा तो तोहफा ही होता है, आप सर कैसा महसूस कर रहे हैं? सर इस जालिम हुकूमत से बेहतर है वहाँ पेट्रोल फ्री में दे रही है। जो साहबे उस्ताद लोग हैं उनको भी चाहिए कि गरीबों की मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप कौन टंकी चलो वाह जी भट्ट साहब, सर जी उन्होंने आपकी माशाल्लाह टंकी में पेट्रोल डलवाया है तो आप सर क्या कहेंगे, क्या फील हो रहा है आपको? सर आपके लबों पर मुस्कुराहट बता रही है कि आज आप जो हालात जा रहे हैं भजन हुक्मरानों से तो ये अच्छे हैं कि जो पेट्रोल तो दे रहे हैं हुक्मरान हार से खींची जा रहे हैं और बुरे हाल कर दिए जा रहे हैं। भट्ट साहब की जुरत को सलाम, भट्ट साहब की मोहब्बत को सलाम। एक मिनट साहब जी, सर आप बताएं आपको सर कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी बाइक में पेट्रोल गया वो भी इस हुकूमत में मुफ्त का गया? एक्चुअली बात ये है कि हुक्मरानों का कसूर कोई नहीं है, जब तक आप आई एम एफ से छुटकारा नहीं ना पाओगे, जो सा मर्जी हुक्मरान आज चाहे आप आ जाए चाहे मैं आ जाऊँ, जो उन्होंने कहना होना वही है, सिर्फ लेबल चेंज होता है। ठीक है, सिर्फ लेबल चेंज होता है या शहबाज शरीफ आ जाता है, उसमें कुछ वो उसकी मजबूरी है क्योंकि आप आईएमएफ से कर्जा ले रहे हो। जब तक आप आईएमएफ की लानत से नहीं छूटोगे, ठीक है, जब तक आप आईएमएफ की लानत से नहीं छूटोगे आपका कुछ नहीं बन सकता इस मुल्क का। सर जी भट्ट साहब के लिए कोई प्यारा सा जुमला हमेशा अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको रिजक में बरकत डाले। ठीक है, इंशाल्लाह अगर इस तरह होगा ना तो वो जल जाएंगे ये चीज देख के आईएमएफ वाले हैं। ठीक है, वहां में इतना जज्बा है। I want to tell you from the beginning to the end. बात यह है कि जैसे उन्होंने कहा आईएमएस का चक्कर है, मुसलमान बड़ी चीज है लेकिन अपनी करतूतों से जलीलो ख्वार हो गया। सुभान अल्लाह। और ये जो हुक्मरान आते हैं, पहले भी जो इमरान खान के वक्त भी महंगाई हुई है और जितनी महंगाई उसने की है सबसे ज्यादा जिंदगी में उसने की है, बेशक सबसे ज्यादा। पहले हर दौर में महंगाई होती है, अभी महंगाई, अब ये भी इन्होंने महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन इनके पास कोई इतनी गिद्दर सिंह नहीं है कि चार दिन में आठ दिन में सही कर दें, इतनी 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 उसमें ताकत नहीं है। देखो हालात खराब है तो इसको इसका टाइम नहीं है, तो ये इन्होंने गलती की है कि इसको आने की उसके पास हुकूमत रहने देनी चाहिए थी। एक तो उसने ये गलती की है, अब इनको कोई टाइम मिले तो फिर है। लेकिन लेकिन खुदा के लिए आप ये कौम है ना को अकल के नाहुन ले, जिसके पीछे लग जाती है चाहे गलत हो या सही है, अलग अलग गड्ढा गिर पड़ते हैं। देखो खुदा के लिए खुदा के लिए अपना पांच वक्त नमाज पढ़ें, अल्लाह से मोहब्बत करें, सब हालात ठीक हो जाएंगे।